हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दादरी में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया और चुनावों के बारे में टिप्स दिए। ओम प्रकाश धनखड़ ने भारत द्वारा G20 की मेजबानी को ऐतिहासिक बताया है। पन्ना प्रमुख 15 परिवारों का समूह है जो आगामी चुनाव में घर घर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी को जितवाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस सम्मेलन में संगठन मंत्री फणीनंद नाथ, सांसद धर्मवीर सिंह, बबीता फोगाट, भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष सुखविंदर मांढी, महिला प्रदेश अध्यक्ष सुनीता दांगी सहित अनेक नेता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसी समय एक और अवसर है G20 की बैठक का और दुनिया के 20 बड़े देश, 9 देशों को और न्योता दिया है प्रधानमंत्री जी ने, जो अपने मित्रवत देश हैं भारत के, उन सबको भी यहाँ बुलाया है। इन 9 के साथ 29 हो जाएंगे। उसके साथ दुनिया की वैश्विक संस्थाएँ भी इसमें आती हैं, जैसे UNO आती है, वर्ल्ड बैंक आता है, एशियन बैंक आते हैं, ऐसी दुनिया की बहुत सारी संस्थाएं भी इसका हिस्सा बनती हैं। तो ये एक ऐतिहासिक अवसर है दिल्ली में, और इसके नाते से पिछले एक दो दिन में जो दिल्ली जाने का अवसर मिला है, दिल्ली भी बहुत दुल्हन की तरह सजी हुई है। बहुत ही मैं कहूँगा कि एक ऐसा वातावरण दिल्ली में इस समय है कि सबके लिए वो आनंद को भर देने वाला है, और ये एक वक्त है भारत का, भारत को गौरवान्वित करने वाला। G20 की बैठकें, भारत का जो चिंतन है वासुदेव कुटुंबकम का, वो दुनिया के सामने इससे आएगा। भारत का जो चिंतन है मासीज को साथ लेके चलने का, वो आएगा। भारत का जो प्रगति है, भारत की जो डिजिटल क्रांति है, आज G20 की मेजबानी मेरा देश कर रहा है, उसकी अध्यक्षता होते हुए हम देखेंगे, भारत के लिए गौरव के पल। ये 15 परिवारों को संभालने वाला मेरा कार्यकर्ता है, ये 15 परिवारों के सुख दुख में शामिल होने वाला है। उसका आयुष्मान का, चिरायु का कार्ड, कोई BPL कार्ड बनना है, पेंशन बननी है, उसमें मददगार है। जब इलेक्शन आएगा तो ये निश्चित रूप से हमारे वोट वहाँ से निकले, इसके लिए भी काम करेगा। हम इसको एक ही रूप में नहीं लगा रहे, ये हमारा चौकीदार सेवादार भी है 15 घरों का, और पार्टी का प्रतिनिधि भी है उन 15 घरों में। इस रूप में पन्ना प्रमुख है। ये निर्णय तो दिल्ली में होना है कि चुनाव एक साथ होंगे या अलग अलग होंगे। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं तैयार हूँ। सम्मेलन के बाद ओपी धनखड़ ने भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन किया और कहा कि अब किराए का नहीं, भाजपा सदस्यों की मेहनत के बलबूते से पार्टी को अपना कार्यालय मिल गया है। ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस संगठन तक नहीं बना पाई, जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बना वो संगठन बनाने में लाचार रहा। भारत ने चंद्रयान 3 और सूर्य मिशन की सफलता से दुनिया में तहलका मचा दिया है। अब G20 सम्मेलन में विश्व को भारत की क्रांति के बारे में जानकारी मिलेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच आधुनिक भारत की है। भाजपा का पूरा संगठन कोई भी चुनाव लड़ने में सक्षम है। धनखड़ ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा में इनका कोई भविष्य नहीं है। SYEL को लेकर पंजाब दिल्ली के सरकारों ने हरियाणा से दगा किया है। CM अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया, अब वे किस मुंह से हरियाणा में आ रहे हैं। धनखड़ ने इंडिया महागठबंधन को वंशवादी गठबंधन करार दिया और कहा कि नाम बदलने से पार्टियों की जो भ्रष्टाचारी साख बनी है वो नहीं बदलेगी। धनखड़ ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी निभाएंगे। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की ये बातें आपको कितनी सही लगी और कितनी गलत, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चरखे दादरी से सत्य खबर के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।